शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, इसका भी एक नियम होता है। शंकर जी पे शिवलिंग पर जल कहाँ चढ़ाया जाता है? सबसे पहला जल अगर शंकर जी को चढ़ाने जा रहे हो तो शंकर जी के जो चरण है, जहां से पानी नीचे गिरता है, उसके सीधे वाले भाग पर, अपने हाथ का सीधा भाग, वहां जल चढ़ाओ। फिर जहां लेफ्ट भाग है वहां जल चढ़ाओ। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, तीसरे नंबर का जल वहां चढ़ाना चाहिए। चौथे नंबर का जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। पांचवें नंबर का जल ऊपर अगर जलाधारी लगी हो तो उसमें चढ़ाओ। नहीं हो जलाधारी तो भगवान शंकर का जहां नंदी बैठा है, नंदी का एक पांव ऊंचा रहता है, उस पांव के पास में जल चढ़ाना चाहिए। पांव जल जल चरण के पास में। ऐसे पांच स्थान दिए हैं जल चढ़ाने के लिए। शिव जी का स्नान कितनी चीजों से होता है? पांच चीजों से। पंचामृत, दूध बोलते जाओ, दही, फिर घी, शहद, फिर शक्कर। ये पांच चीजों का प्रमाण क्या है? शास्त्र कहता है दूध चढ़ाने से घर में संतान की वृद्धि होती है। दही चढ़ाने से भगवान शिव के, अगर शिवलिंग पर हम दही चढ़ाते हैं, उससे परिवार में प्रेम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रेम। फिर घी चढ़ाने से हमारे घर से रोग दूर होता है। शहद चढ़ाने से, भगवान शंकर पर जो शहद चढ़ाया जाता है, वो चढ़ाने से घर में संपदा की वृद्धि होती है। और पांचवें नंबर पर भगवान को शक्कर खांड, जो आप जानते होंगे, शक्कर आदि पीसी हुई चढ़ा देने से, शिव जी को चढ़ाने से हमारे घर के बच्चे जिद्दी नहीं होते। क्यों कहते हैं? जो बच्चा जिद्दपन करता हो, जो बच्चा जिद्दी रहता हो, तो क्यों कहते हैं कि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लो और उसके हाथ में शक्कर की कटोरी देकर शंकर जी पे चढ़वा दो, बच्चा कभी जिद्दपन नहीं करता। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाया जाता है। सोमवार की अष्टमी को अवधूतेश्वर का नाम लेकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दिया, और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर जिस पात्र से अर्घ दिया था वही पात्र ले जाकर जल शिव जी को चढ़ा दिया। जैसे कल आपको कथा में कहा था कि रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर सोमवार के दिन उसी पात्र से शंकर को जल चढ़ाया जाए, तो जीवन में जो विघ्न आते हैं, तकलीफें आती हैं, रोग आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, या कोई विशेष परेशानी आ जाती है, तो वो अर्घ का कलश ले जाकर उसको जब आप सूर्य को चढ़ा देंगे, खाली हो जाएगा। उसी कलश को मांजना धोना नहीं, उसी को दूसरे दिन शिव जी पर ले जाकर उस जल को समर्पित कर देने पर फल की प्राप्ति। क्यों कहते हैं? जो बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा हो, बार बार सर्दी हो रही हो, बार बार बीमार पड़ रहा हो, खांसी चल रही हो, बार बार हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ रहा हो, बच्चे को, छोटा सा अगर बच्चा है, 8 साल के अंदर बच्चा है और बीमार ज्यादा पड़ रहा है, तो आटे का दिया बनाओ, 4 बत्ती रखो, उसमें तिल्ली का तेल डालो, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर बच्चे के ऊपर से 21 बार उतारो और किसी चौराहे पर ले जाकर रख दो। जिंदगी में बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा, बच्चा स्वस्थ रहे, आनंद में रहे, आनंद में रहे, स्वस्थ की मूल। और वैसे भी प्रथम सुख, अरे बोलो तो, निरोगी काया। घर का प्रथम सुख निरोगी काया। व्यक्ति अगर धन की मूलता नहीं है, साफ पैसा अपनी जगह पर है, फिर निवेदन करता हूं, धन अपनी जगह पर पड़ा है, सबसे पहला है परिवार में सब स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु। कभी दुख की घड़ी चल रही है, कभी समस्या चल रही है, तकलीफ चल रही है, रोग चल रहा है, बीमारी चल रही है, कष्ट बहुत है, तो उसके दरवाजे पर जाकर इस माथे को थोड़ा सा झुका लो। कभी कभी अगर तुमको लगे कि मेरे जीवन में बहुत बीमारियों ने मुझे घेर रखा है, तो प्रयास करा करो कि बेलपत्र
जो ये बेलपत्र होती है, उस बेलपत्र की जो ये डंडी होती है, इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है वहां पर इसका चढ़ाकर डंडी का जो भाग है वो शिवलिंग की ओर हो जाता है, और यहीं से जल चढ़ाते 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 अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते ओमकार जैसा, ओमकार जब हम अशोक सुंदरी से चालू करेंगे तो वो जल पहले गणेश जी के पास जाएगा, फिर वापिस अशोक सुंदरी के पास आएगा, अशोक सुंदरी से कार्तिकेय के पास जाएगा, कार्तिकेय से महादेव के पास जाएगा, ऐसा ओमकार जैसा जल जब तुम्हें लगे कि बीमारी बहुत घेर रखी है और बहुत बीमारी ने घेर लिया, कोई किडनी, कोई लीवर, कोई बहुत शरीर में कष्ट, कोई रोग बीमारी, या कहीं तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरा गर्भ 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, संतान नहीं, तब भी इस प्रयोग को जरूर करिएगा। डंडी का मुख शिवलिंग की ओर, पत्ती का मुख अशोक सुंदरी की ओर, जल चढ़ाते समय अशोक सुंदरी से धार चालू कर गणेश जी पर, गणेश जी मालूम है ना सबको कहां गणेश जी होते हैं, कहां कार्तिकेय होते हैं, एक बार समझ लो उसको भी अच्छे से। ये नीचे का गोल भाग, ये जल जाने का स्थान, ये शिवलिंग, बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान है, शंकर जी के राइट में जहां से पानी नीचे गिरता है उसके कोने पर गणेश जी का स्थान, इधर कार्तिकेय का स्थान, ये शिवलिंग, ये जो गोल भाग है ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है, ऊपर से जो बूंद बूंद जल कलश में से गिरता है वो शंकर भगवान की पांच लड़कियां जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली और देव, ये शिव जी की पांच लड़कियां ऊपर से जल की बूंद गिराती हैं। हम जब भी अगर इस कार्य को कर रहे हैं तो बेलपत्री जो चढ़ा रहे हैं वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर बीच में चढ़ा दिया, डंडी का मुख इधर, जल चढ़ाना यहीं से चालू करा, यहाँ से गणेश जी पर गया, गणेश जी से अशोक सुंदरी का आया, अशोक सुंदरी से कार्तिकेय पर आया, कार्तिकेय से देवाधिदेव महादेव पर आया, ये ओम बिंदु जल है, इसको हरिओम जल भी कहते हैं। उज्जैन महाकाल में भगवान शंकर को सवेरे सवेरे सबसे पहला जो जल चढ़ता है वो हरिओम जल चढ़ता है, आप कभी भी उज्जैन वालों से जाकर पूछना, भस्म रमैया मंडल से पूछना, या उज्जैन के किसी एक व्यक्ति से पूछना, या वहां के पंडा जी से पूछना कि हरिओम जल कब चढ़ता है, तो वो कहेंगे सबसे पहला जल सुबह का हरिओम जल चढ़ता है, इसको हरिओम जल भी कहते हैं। ये रोग निवारण के लिए, घर में गंगा जल है तो एक प्रयास करके देखिएगा, कोई कार्य के लिए आप जा रहे हैं और वो कार्य अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने, बहुना ही चाहिए,